हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 8 जून और हम बात करने वाले हैं सन फार्मा के बारे में। तो देखिए, निफ्टी का टॉप गेनर है सन फार्मा और हम इसको देखने वाले हैं। तो देखिएगा, ये चूंकि ओपन हुआ आज 433.80 पर, इसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो थी 430.80। तो देखिएगा, ये ₹3 की गैप अप ओपनिंग से आज खुला है, इसकी ओपनिंग जो हुई है। उसके बाद देखिएगा, इसने जो हाई बनाया वो था 449 का। अब ये जो इसने हाई बनाया वो तकरीबन इसकी ओपनिंग से रहा ₹15.20 ऊपर, ठीक है। आप समझ लीजिए, ₹15.20 का हाई बनाया इसने। और देखिएगा, एक लो भी बनाया था 432.35 का, जो कि तकरीबन आप देख सकते हैं जो कि था ₹1.45 नीचे, ठीक है, अपनी ओपनिंग से, यानी कि इसकी ओपनिंग थी 433.80 की। उसके बाद देखिएगा, जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो ये 448.05, यानी कि 448.5 पे जो है इसकी एक क्लोजिंग दिखाई थी, जिसपे आप देख सकते हैं सेलिंग के 1500 ऑर्डर भी लगे हुए हैं, ठीक है। आप देखिएगा, इसकी 8 जून की आप देख लेते हैं जो क्वांटिटी इसमें ट्रेडेड हुई है, बढ़िया वाला ट्रेड हुआ है, 1,23,00,000 इसमें ट्रेड हुआ। और देखिएगा, 38 लैक्स इसमें लगी है क्या डिलीवरी, इसमें जो डिलीवरी क्वांटिटीज है 38 लैक्स है। और देखिए, परसेंटेज में बात करें तो 30%, यानी कि एक बहुत बढ़िया एवरेज वैल्यू वाली डिलीवरी इसमें हुई है। और देखिएगा, कल भी इसमें गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो आप देखिए, हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल इसका चार्ट देखेंगे और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे इसकी ऑप्शन चेन से। तो चलिए फिर एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें पिवोट पॉइंट, जो कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा दूं। तो देखिएगा, ये आज जब ओपन हुआ तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैंने वन डे पे सेट किया हुआ है और 15 मिनट में मैंने कैंडल लगाई हुई है। देखिएगा, पिवोट पॉइंट जो होते हैं, अगर आप इनको किसी और 15 मिनट से 30 मिनट्स या आवर की वीक में लगा देंगे कैंडल, तो देखिएगा होगा क्या, इसकी जो ये पिवोट पॉइंट से बदल जाएंगे। और ये मेरे मुताबिक जो एक्यूरेट वर्क करते हैं वो 15 मिनट पे करते हैं। तो देखिएगा, मैंने इसको सेट कर रखे हैं। तो देखिएगा, ये जो पिवोट पॉइंट की जो लाइन है, देखिएगा 432.75 पे दिखा रहा है। और देखिएगा, जब ये खुला तो देखिएगा, खुलते ही इसने जो एक ये कैंडल बनी इसमें 15 मिनट की ग्रीन वाली, देखिएगा उसने अपना पहला रेजिस्टेंस तोड़ दिया था, जो कि पहला रेजिस्टेंस था 436.10 पे, यानी कि खुलते ही इसने 436.10, यानी कि इसका जो पहला रेजिस्टेंस था उसको पार कर दिया था। उसके बाद देखिएगा, ये वाली जो कैंडल थी इसने फिर इसके दूसरे रेजिस्टेंस को तोड़ा, जो कि था 441.35। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की तेजी इसमें हुई है। और देखिएगा सर, जो तीसरा रेजिस्टेंस था ऊपर 449.95, इसको इसने आज नहीं छुआ, ठीक है, जो कि 449.95 पे ये जो रेजिस्टेंस है, तीसरा वाला रेजिस्टेंस, ये R3, इसको इसने नहीं छुआ, R2 को तोड़ा और R1 को तोड़ दिया, यानी कि अब ये ऊपर जो इसको रेजिस्टेंस फेस करना है वो है 449.95। तो देखिएगा, जैसे गैप अप ओपनिंग में अगर ये टूट जाता है कल, तो फिर से तेजी होनी है, और फिर तेजी कहां तक होगी वो देखने वाली बात होगी। नीचे अभी आपको बता दूं कि ये जो पिवोट लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली, ये भी एक सपोर्ट का वर्क कर रही है। और देखिएगा, उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 427.50 पर ये अपना सपोर्ट दिखा रही नीचे की तरफ, हालांकि अब काफी ऊपर है। तो देखिए, ये सपोर्ट बन चुके हैं अब इसका, तो यानी कि 441.35 इसका पहला सपोर्ट है अब, ठीक है। अगर ये नीचे गिरता है तो ये इसको कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा 441.35, ठीक है। तो चलिए फिर और देखते हैं। तो देखिएगा, ये आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उन्हें लगा रखा है। तो अब देखने वाली बात इसमें है क्या, देखिए ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, ये 21 की है। और देखिएगा, और देखिए ये जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, और देखिए ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको जरा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि 21 मूविंग एवरेज की लाइन लगी हुई है, तो उसमें जरा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल की चाहिए। तो देखिएगा, ठीक है, तो ये जो लाइनें होती है इनको आप जरूर यूज करिएगा, क्योंकि तेजी को दिखाती है पूरी तरीके से। अगर आप तेजी देखना चाहते हैं तो देखिए, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की जो कैलकुलेशन है वो 446 के तकरीबन है। और देखिएगा, नीचे जो ये आपको 21 की दिखाई दे रही है वो 443.71, ठीक है, इस पे इसकी कैलकुलेशन दिखाई पड़ रही है, यानी कि देखिए हम जो ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल उससे काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। ये देखिएगा, ये 50 की रेड वाली जो है 50 की है, और इसकी कैलकुलेशन 440.24, और देखिए कितना ऊपर निकल चुके हैं, तेजी किस तरीके की दिखाई पड़ रही है। और देखिएगा, ये जो नीचे 100 की है, इसको आप देख सकते हैं 437.82 पे इसकी कैलकुलेशन है।
तो देखेगा पूरी फुल ऑन तेजी में ये है और अभी मौजूदा स्तर पर जो हमें वो 448.05 पे इसने आज अपनी क्लोजिंग दिखाई है और कल भी जो होगी वो गैप ओपनिंग होगी। देखने वाली बात है कि 449 जो इसका रेजिस्टेंस है उससे ऊपर होगी कि नहीं, तो वो तो ऊपर होनी ही है और ये भी तेजी का इंडिकेशन इसमें नजर आ रहा है। तो चलिए फिर और देखते हैं। देखिएगा ये बुलिंदर बैंड में ला रखा है, देखिए इसकी जो अपर बैंड की जो जो कैलकुलेशन है, ठीक है, जो मीन से इसका डेविएशन ये दिखाता है और देखिएगा इसका डेविएशन जो है पूरी तरीके से देखिए ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए इसकी जो ऊपर की अपर बैंड की जो कैलकुलेशन है वो है 448.39, ठीक है, और फिलहाल हम इससे नीचे क्लोज हुए हैं और जो मीन मिडिल लाइन की जो वैल्यू है वो देखिएगा 444.31, इसकी कैलकुलेशन ये दिखा रहा। और देखिए 440.24 ये देखिएगा नीचे लोअर बैंड की कैलकुलेशन है यहाँ पर ये देखेगा। तो देखिए कहने का मुद्दा क्या है, आप देखिए किस तरीके से इसका मूव बंद होता जा रहा है, देखिए तो इसी से पता चलता है कि ये तेजी का मूड तेजी के मूड में है। अब ये इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, आपको याद होगा जब इसने 390 का लेवल लगाया था तो इसने अपना मुंह ऐसे करके खोल लिया था, अब देखिए वही मुंह इसने बंद कर दिया, आप दिखाता है कि किस तरीके से ये ऊपर भागने वाला है। इसी वजह से देखिएगा डे बाय डे इसमें आप देखना और इसमें कितना ज्यादा लोगों का वॉल्यूम आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, तो देखिएगा ये देखिए ये 9 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, तो देखिए ये 9 डे का है और ये 21 का सिंपल मूविंग एवरेज है और देखिए ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है सिंपल वाला और देखिएगा ये 100 का। तो आप दिखाने वाली जो बात है, देखिए मैंने जो कैंडल आ रखी है इसमें आवर पे सेट कर रखी है, तो देखिए ये जो जब भी ये जो लाइन होती है ये छोटी वाली लाइन यानी कि 9 मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो तो देखिए किस तरीके से पहले इसने काटा किसको 50 को, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाए। तो देखिएगा पहले देखिए इसने किस तरीके से 50 को काटा, जब भी ये नीचे से काटेगी ऐसे करके नीचे काटेगी, और मैं आपको बता दूं देखिए जब भी ये वाली लाइन जो है ये जो पिंक लाइन काट रही है, पहले इसने रेड को काटा फिर इसने देखिए ग्रीन को काटा, ये तेजी दिखाती है, ये दिखाती है कि इसमें आ चुकी है बाइंग। जब भी नीचे से काटेगी किसी भी छोटे मूविंग एवरेज की लाइन जो होती है, छोटी डेमा की जो लाइन है, ठीक है, वो जब भी नीचे से काटेगी तो ये समझ लीजिएगा कि इसमें आने वाली है तेजी, ठीक है। तो देखिए जैसे काटती है पूरी तरीके से बाइंग को ये दिखाता है, तो दोनों को काट के निकली है, आवर की कैंडल मैंने लगा रखी है, ठीक है, और वन डे में मैंने सेट किया हुआ है। और देखिएगा नीचे मैंने क्या लगा रखा, मैंने RSI लगा रखा है, ये देखिएगा मैंने RSI जो सेट किया था वो 70 और 30 पे किया है। फिलहाल जो ये दिखा रहा है ये देखिए ओवरबॉट रीजन में दिखा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें खरीदारी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि देखिएगा ये सिर्फ एक तरीके के इंडिकेशन होते हैं, जरूरी नहीं होता कि ये बात तक दिखा रहा है जो कि इसने ओवरबॉट रीजन को दिखा दिया तो इसमें बिकवा लिया जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज को देखते हो इसमें लग रहा है वो पूरी तरीके से इसमें सिर्फ अब लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही मूव करता जाएगा, लेकिन मूव करेगा कितना करेगा वो सब हम ऑप्शन चेन से देखेंगे। तो इसे मैं आपको इसकी ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, देखिएगा ये इसकी आज की ऑप्शन चेन है, आप देख सकते हैं और जो हम लोग हैं वो देखेगा, तो देखिये हम जो एट द मनी अभी है वो 440 और 450 के बीच में कहीं यहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा सबसे मजबूत सपोर्ट कहाँ पे बैठा हुआ है, तो देखिए हमारा सबसे मजबूत सपोर्ट जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो देखिए यहाँ पर है, ठीक है, जो 400 के आसपास है, लेकिन अभी हम एट द मनी जहाँ पर है वही की बात करेंगे, तो फिलहाल कहाँ पे, फिलहाल देखिए 440 पे है, ठीक है, 440 पे 555,000 कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी टोटल कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, उसके सामने देखिएगा सबसे ज्यादा आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आके बैठ गया 2,31,000 का। तो ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे मजबूती आपकी दिखाई पड़ रही है, यानी कि 440 तो अभी है ही है, लेकिन उसके सामने देखते हैं क्या चल रहा है, देखिएगा 3,65,000 आपकी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, आपका प्रीमियम बढ़ा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका 440 यानी कि कॉल में, कॉल से हमें क्या पता चलता है, देखिए कॉल से हमें पता चलता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमें कैसे पता चलता है जब हम उसकी कॉल राइटिंग देखते हैं, और देखिएगा पुट में हमें कैसे पता चलता है, पुट से पुट हमें सपोर्ट बताता है, और सपोर्ट कैसे बताता है जब हम उसकी पुट राइटिंग देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका प्रीमियम बढ़ा है और देखिएगा यहाँ पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट घट गया है, ठीक है, कितनी वाली कॉल पे, 440 की कॉल पे, तो देखिए ये सीधे सीधे आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक, 440 से नीचे तो अब जाएंगे रहा सन फार्मा, ये आपको बता रहा है, ठीक है। 450 की बात आपको बता देता हूँ, 450 पे भी आपका हो गया रेजिस्टेंस वीक, ठीक है, और आपका प्रीमियम हुआ है, आपका यहाँ पे भी प्रीमियम जो है वो बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि आपके कॉल
जो कि आपके कॉल राइटर से वो सब निकल निकल के भाग गए हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, कॉल राइटर निकल के भागे यहाँ से, और आपके 450 पे भी, यानी कि 450 तो कल खुलते ही अचीव होने वाला है। ठीक है, मैं आपको क्लियर करके और दिखाता हूँ। हमने 450 तक की बात कर ली है, और आपको मैं बता देता हूँ कि पुट में भी क्या चल रहा है। देखिए, पुट में 1 लाख के तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट आके ऐड हुए हैं, और देखिएगा यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है 2,23,000 टोटल कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है 250 की स्ट्राइक पे पुट में, और देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा 14 लाख के तकरीबन, यानी कि बढ़िया वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि 450 ये तोड़ेगा, और याद रखना अगर ये 450 को तोड़ देता है तो देखिएगा एक तेजी बढ़िया वाली दिखाई पड़ने वाली, क्योंकि मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखा था 449 समथिंग अप्रोक्स एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ, पिवोट पॉइंट में भी आपको दिखा चुका हूँ। तो अब हम नीचे की बात करने वाले हैं कि ऊपर ये चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, और हम इस चीज को कैसे जांचे। तो देखिएगा 460 की बात करने वाला हूँ, 460 में देखिए कॉल में आपका प्रीमियम बढ़ा है, और देखिएगा उसके सामने जो कि आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया, यानी कि आपके कॉल राइटर्स और कॉल बायर्स दोनों मौजूद हैं, लेकिन चूंकि आपका प्रीमियम बढ़ा है तो यहाँ पे होंगे फ्रेश लॉन्ग, यानी कि ये आपको सपोर्ट करने वाला है ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, यानी कि बुल्स के लिए ये काफी अच्छा इंडिकेशन है। वही अगर हम 460 पे देखें तो देखिए आपका मामूली सा 2200 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ बैठा हुआ है, और 63,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट में पुट में बैठा हुआ है, यानी कि दोनों चीजें हमारे इंडिकेशन पॉजिटिवली दिखाता है। उसके बाद देखिएगा 470 की बात करते हैं, 470 की जो स्ट्राइक है इसकी मैं बात करता हूँ, और देखिएगा तो प्रीमियम आपका कॉल में बढ़ा है। ठीक है, उसके सामने आपका फिर से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट के लगभग बैठा हुआ है, आज एड हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। तो देखिएगा ये कॉल में आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए बायर्स यहाँ भी मौजूद है, कॉल राइटर्स भी मौजूद है। ठीक, तो 470 में, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हालात अच्छे नहीं है, यहाँ आपका जो कि पुट राइटर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पुट राइटर्स हैं वो यहाँ से देखिएगा निकल के गए, यहाँ से आपकी अनवाइंडिंग दिखाई देगी, प्रीमियम भी घट गया आपका, और देखिएगा आपके जो पुट राइटर्स थे वो भी निकले हैं। ठीक है, तो 470 पे आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो अब हमें क्या सोचने वाली बात है, तो हम यहीं तक की बात करेंगे। फिलहाल अगर आप नीचे तक की मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई नीचे तक फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम आपका बढ़ रहा है, और फिलहाल आपके जो कॉल बायर्स है वो काफी ज्यादा मौजूद है यहाँ पे, लेकिन आपके यहाँ पे सपोर्ट अगर देखेंगे तो सपोर्ट हमारे नीचे की तरफ कमजोर है। ठीक है, 500 तक हमारे सपोर्ट कमजोर हो गए हैं, हमारे सपोर्ट कमजोर हुआ है 470 पे, 480 पे, और हो सकता है 500 पे, लेकिन कल के दिन को स्थिति हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, कल नए आंकड़े आ जाए और रुझान जो है सब चीजों को देख के बदल जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो वो कहां से कहां तक करना है उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा हम लोगों को जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो देखिएगा कि हम नहीं जा रहे 440 से नीचे, फिलहाल नहीं जा रहे हैं, और 450 देखिएगा अचीव होना चाहिए, और देखिएगा 460 तक ये जाएगा ऐसा मुझे लगता है। अब 460 तक की तो ये स्थिति हो गई, लेकिन 470, 480 और 490 ये अब हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे आपकी जो है अनवाइंडिंग हुई है, माइनस में वैल्यू लगी हुई है, आपके पुट राइटर्स निकल के यहाँ से गए हैं। ठीक है, तो ये तो होगी बात, फिलहाल आपको इतना कॉन्सेंट्रेट रखना है 460, और अगर इसने 460 के आसपास भी अपना कहीं ना कहीं दिखा दिया तो कल के दिन को सारा आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है वो चीजें चेंज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको पुट राइटिंग अच्छी होती हुई नजर आएगी, और देखिएगा फिर ये भागना शुरू करेगा जैसा कि ये पहले भागा था। ठीक है, वहीं कहीं एक रिवर्सल पैटर्न डेवलप होगा बढ़िया वाला, और उसके बाद देखिएगा फिर ये रुकेगा नहीं जिस तरीके से पहले भागा था, 2-3 महीनों में फिर से आपको 620-630 के आंकड़े उसके मुताबिक दिखा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी 460 तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगता 440 टूटना चाहिए, और 450 जो है और 460 अचीव होना चाहिए। चलिए फिर वीडियो में इसी के साथ यहीं पे खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करिए। चलिए थैंक यू।